कर्नाटका का जो MBBS का काउंसलिंग अभी चल रहा है 2024 का, उसका मॉक अलॉटमेंट आ चुका है। मॉक अलॉटमेंट का मतलब हो गया कि आपको क्या चांस है मिलने का एडमिशन का। जनरली देखा जाता है कि जो मॉक अलॉटमेंट आता है काउंसलिंग में, वही फाइनल अलॉटमेंट लगभग होता है। दोस्त मैं एक बात बताने वाला हूं कि जो मॉक अलॉटमेंट है कर्नाटका का, वो पूरा के पूरा एक स्कैम है। जी सही सुन रहे हो, अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो समझ पाओगे कि मैं रियलिटी में क्या बताना चाहता हूं। ये एकदम गलत मॉक अलॉटमेंट है MBBS 2024 कर्नाटका का। दोस्त आप वीडियो पूरा देखेंगे catonline.karnataka.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसे जब आओगे यहां पे तो आपको यूजी मैक काउंसलिंग यूजी नीट 2024 यहां पे दिख रहा होगा मॉक अलॉटमेंट कट ऑफ, जो कि बताया जा रहा है कि आप कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिला है किस बच्चे को। दोस्त अगर हम लोग अदर स्टेट की बात करेंगे तो मेडिकल डेंटल प्राइवेट ये कट ऑफ में आप लाई करेंगे, यहां पे मेडिकल डेंटल कट ऑफ जो कि आपको अभी हटा दिया गया। दोस्त यहीं पे ये जो मैक मॉक अलॉटमेंट है मैंने डाउनलोड किया, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। जब यहां पे ये क्लिक करोगे मेडिकल डेंटल प्राइवेट तो आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। जी यहां पे आप पीडीएफ जब देखोगे तो यहां दिख रहा होगा मेडिकल डेंटल कट ऑफ रैंक प्राइवेट अदर मॉक राउंड अलॉटमेंट। जब आप दोस्त यहीं पे देखोगे, एक चीज मैं दिखा देता हूं आप सभी को तो समझ में आ पाएगा कि क्या हो रहा है। जब आप पीडीएफ देखोगे तो यहां पे समझ में आ जाएगा, जैसे कि बीआर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, अगर हम लोग बात करेंगे जो ओपन स्टेट के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो ओपन में आएंगे, उनका अलॉटमेंट हुआ 32,234। आप यहां पे देख रहे हैं बीआर अंबेडकर का, वैसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो केम्पा गोरा का 26,000 तक आपको दिख रहा होगा। चलो ये ठीक है, बढ़िया है। यहीं पे एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज जब देखोगे तो 3,54,000। दोस्त यहां पे ये गलत है, 3,54,000 हाँ दोस्त इतने रैंक पे अलॉटमेंट यहां पे दिखाया जा रहा है कि इतने वाले रैंक बच्चे को मिल चुका है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसका फीस भले ही 25,00,000 रुपया हो, लेकिन अगर इतने रैंक पे एडमिशन किसी को मिलेगा तो बच्चा ले लेगा। आप ऐसे ही दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस क्लियर है, जो कि 1,05,000, समझ रहे हो, ओपन वाले बच्चे को 1,05,000 रुपए अलॉटमेंट हुआ है, ये गलत है दोस्त। तो कैसे ये प्रूफ होगा, जब आप आओगे, हाँ दोस्त जब आप वेबसाइट पे आओगे तो यहां पे जो आपको अलॉटमेंट दिखेगा, आप जब लिंक जाओगे यहां पे देख रहे हो वेबसाइट पे यूजी नीट पे गए हमने और यहां पे मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट, इसे जब क्लिक करोगे तो आप सीएटी नंबर जब एंट्री करोगे तो जिस बच्चे का रैंक यहां पे दिख रहा होगा 3,20,000 रैंक जो मैंने दिखाया आपको रमैया एमएस रमैया का या एजे इंस्टीट्यूट एमएस रमैया का, यहां पे मैंने दिखाया आपको एमएस रमैया का आपको मैंने दिखाया था 3,00,000 यहां पे दिखाया, तो वो आपको अलॉटमेंट उस बच्चे का रैंक आपको दिखा देते हैं एक बार, पूरा देख लेंगे ताकि आपको समझ में पूरा आ चुके 3,54,000। तो आप जब यहां पे क्लिक करोगे कहां पे, यहां पे सिटी नंबर डाल के, और जिस कैंडिडेट का 3,20,000 रैंक है उसका भी अलॉटमेंट नहीं है। जैसे कि एम एस रमैया लास्ट रैंक कितना अलॉटमेंट हुआ, जो पीडीएफ में आ चुका है, 3,54,000 पे अलॉटमेंट हो गया, फीस 25,00,000। ओके कोई दिक्कत नहीं है, इतना बच्चा दे देगा। अगर आपका रैंक 3,10,000 हो, 3,20,000 हो और आपने चॉइस फिल किया भी है फिर भी आपको अलॉटमेंट यहां पे नहीं दिखेगा, ये एक तरह का स्कैम ही है, या पूरा के पूरा ये जो मॉक अलॉटमेंट है इन्होंने गलत ही डाल दिया है। ये मॉक अलॉटमेंट ये पूरा का पूरा पीडीएफ ही गलत है। लाइक श्री बसवेश्वरिया मेडिकल कॉलेज 1,58,000 जो कि लगभग 535 नंबर होता है। नहीं दोस्त, हमने ऑलरेडी कैंडिडेट बहुत सारे मिले हमसे जिनका इतना रैंक है लेकिन इनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, समझ रहे हो, तो ये 534 नंबर होता है 1,58,000 पे, लेकिन उस कैंडिडेट का अलॉटमेंट नहीं है दोस्त इतने पे। हाँ इसका मतलब ये पूरा के पूरा गलत है और एक तरह से कह सकते हो स्कैम किया जा रहा है बच्चों के साथ, ये गलत है, ऐसा भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो एक्यूरेट है उसे रिप्रेजेंट करे, प्रेजेंट करे, और इस वेबसाइट पे अपना ही का वेबसाइट है उस पे ओरिजिनल अपलोड करे तब जाके हो पाएगा, अदरवाइज स्टूडेंट परेशान हो रहा है और ये गलत स्कैम एक तरह का किया जा रहा है आप सभी को। तो ये चीज से बचे और आप अभी हमारे साथ बने रहें,
चैनल सब्सक्राइब करके रखे, कर्नाटका का सारा अपडेट मैं आपको जरूर दूंगा MBBS एडमिशन के लिए। होप से मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।